भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। हम सभी इस विचार से परिचित हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की दो मुख्य श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि परोक्ष लोकतंत्र। प्रत्येक लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी के मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णयों से स्वयं भाग लेते हैं, लेकिन यह पद्धति केवल वही व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या सीमित हो। उदाहरणतः एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या फिर किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई, जहां सभी सदस्य एक कक्ष में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा कर सकें और सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय ले सके। विशाल और जटिल आधुनिक समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं बहुत कम है। आजकल हर जगह सामान्यतः प्रतिनिधिक लोकतंत्र ही पाया जाता है, चाहे वह 50,000 की जनसंख्या वाला एक कस्बा हो या फिर 1 करोड़ की जनसंख्या वाले राष्ट्र। इसमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नागरिक स्वयं अधिकारियों को चुनते हैं। हमारे देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मत देने का अधिकार है। लोग पंचायत, नगर निगम, बोर्ड, विधानसभा, संसद अथवा आदि सभी स्तरों पर अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। अब यह धारणा बलवती होती जा रही है कि लोकतंत्र में जनता का नियमित भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब केवल हर 5 साल में मतदान करना भर नहीं है। इस तरह सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत प्रशासन दोनों ही धारणाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। सहभागी लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। इस अध्याय में विकेंद्रीकृत और जमीनी लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था में जो विकेंद्रीकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है की व्याख्या की जाएगी। भारत के उपनिवेश विरोधी लंबे संघर्ष की परंपरा से ऐसी प्रणालियां व मूल्य विकसित हुई। इन दोनों से भारतीय लोकतंत्र की नींव पड़ी। देश में इतनी विविधता और असमानता के होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद के 60 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने जो सफलता प्राप्त की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अध्याय में भारत के समृद्ध व जटिल अतीत और वर्तमान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है, अतः इस अध्याय में हम भारत में लोकतंत्र के विकास के विषय में संक्षिप्त दृष्टिकोण एवं सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार भारतीय संविधान को देखें। हम इसके केंद्रीय मूल्यों व मान्यताओं पर दृष्टि केंद्रित करते हैं। संविधान निर्माण के विषय में संक्षिप्त चर्चा करें और साथ ही संविधान निर्माण के समय होने वाले विवादों से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे। दूसरा, हम लोकतंत्र की जमीनी कार्यात्मक के स्तर पर दृष्टिपात करेंगे, विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था पर। इन दोनों ही विषयों के प्रतिपादन में आप पाएंगे कि लोगों के विभिन्न समूहों हितों की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसा प्राय विभिन्न राजनीतिक दल भी चित्र में प्रदर्शित किया गया है। लोग मतदान पेटी में मत डालते हुए दिखाए गए हैं कर रहे हैं। एक प्रकारात्मक लोकतंत्र का यह एक अनिवार्य अंग है। इस अध्याय के तीसरे भाग में यह स्पष्ट करने की प्रयास किया गया है कि हितों की प्रतिस्पर्धा में हित समूह किस प्रकार कार्य करते हैं, हित समूह और राजनीतिक दल से क्या आशय है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इनकी क्या भूमिका है। भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य आधुनिक भारत की अन्य विभिन्न विशेषताओं की तरह ही हमें आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की कहानी का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से ही करना चाहिए। आपने अभी ऐसे बहुत से संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ा है जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जानबूझकर उत्पन्न किया था। इनमें से कुछ अनैच्छिक रूप से हो गए। ऐसे परिवर्तन को लाने की अंग्रेजों की कोई इच्छा नहीं थी। उदाहरणतः उन्होंने यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए किया ताकि वे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक मध्य वर्ग बना सकें और उनकी सहायता से यहाँ औपनिवेशिक उपनिवेशी शासन को निरंतर चलाते रहें। इससे
यहाँ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक वर्ग बन गया, किंतु इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन में सहयोग देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद जैसे पाश्चात्य उदार विचारों का प्रयोग अपनी वैश्विक शासन को चुनौती देने के लिए किया, किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं विशुद्ध रूप से पश्चिमी की ही देन है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले हुए हमारे प्राचीन महाकाव्य कृतियाँ व विविध लोक कथाएं संवादों, परिचर्चाओं और अंतर्विरोधी स्थितियों से भारी पड़ी है। किसी पहेली, लोकगीत, लोक कथा या किसी महाकाव्य की कहानी के विषय में विचार कीजिए जो इन विभिन्न दृष्टिबिंदुओं को स्पष्ट करती हो। हम महाकाव्य महाभारत से एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने पहले अध्याय और दूसरे में देखा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार है, न ही केवल पाश्चात्य विचार है, बल्कि यह भारतीय और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनका पुनर्व्याख्या है। हमने समाज सुधारकों के संदर्भ में ऐसा ही देखा है। हमने समानता के आधुनिक विचार और न्याय के पारंपरिक विचार दोनों का उपयोग देखा है। लोकतंत्र भी इसका अपवाद नहीं है। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलोकतांत्रिक व भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार तथा उनके द्वारा प्रचारित, प्रसारित और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा पढ़े गए पाश्चात्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में तीव्र अंतर्विरोधी मिलता है। भारत में फैली निर्धनता और सामाजिक भेदभाव की प्रबलता लोकतंत्र के अर्थ पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। क्या लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता और क्रियाकलाप? 3.1 प्रश्न करने का परंपरा। महाभारत में जब भृगु ऋषि महर्षि भारद्वाज को बताते हैं कि जाति विभाजन विभिन्न मनुष्यों के शारीरिक लक्षण में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से संबंधित है, जो कि त्वचा के रंग में परिलक्षित होती है, तब भारद्वाज ने न केवल सभी जातियों के मनुष्यों की त्वचा के रंग की ओर संकेत करते हुए यदि विभिन्न रंग विभिन्न जातियों के सूचक हैं तो सभी जातियाँ मिश्रित जातियाँ हैं, बल्कि और भी गंभीर प्रश्न करते हुए उन्हें प्रत्युत्तर दिया। हम सभी इच्छा, क्रोध, भय, दुख, चिंता, भूख और श्रम से प्रभावित होते हैं। फिर हम में जाति एवं जातिगत विभिन्नताएं कैसे हैं? सेन 2005 11 से 12 पृष्ठ से लिए गए हैं। सामाजिक न्याय भी, क्या जातीय संप्रदाय, नस्ल, लिंग आदि के बावजूद सबके लिए समान अधिकार के बारे में भी लोकतंत्र सार्थक है? और यदि ऐसा है तो फिर ऐसे असमान समाज में वास्तविक समानता का अनुभव कैसे किया जा सकता है? 2.3 आज समाज नए रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति ने 3 शब्दों बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों में अभिव्यक्त किया था। इसी नारे के कारण फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया गया था, लेकिन यह समानता लाने में असफल रहा। हमने रूसी क्रांति का स्वागत किया क्योंकि इसका उद्देश्य भी समानता लाना ही था, किंतु इस बात पर बहुत बल देने की आवश्यकता नहीं है कि समानता उत्पन्न करने के लिए समाज और बंधुत्व अथवा स्वतंत्रता का बलिदान कर दे। बंधुत्व और स्वतंत्रता समानता के अभाव में मूल्यहीन है। इसका तात्पर्य है कि इन तीनों का सह अस्तित्व तभी संभव है जब युद्ध बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया जाए। अंबेडकर 1992 2.3 के लिए अभ्यास उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और परिचर्चा करिए कि परंपरागत लोकतंत्र के विरुद्ध प्रश्न उठाने और लोकतंत्र के नए आदर्शों का निर्माण करने में विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय बौद्धिक विचारों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता था। क्या आप अन्य सुधारकों और राष्ट्रवादियों के बारे में विचार कर सकते हैं जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले? इनमें से अधिकांश मुद्दों पर विचार किया जा चुका था। जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय एक दृष्टिकोण उत्पन्न हो चुकी थी कि भारतीय लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में विचार किया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। कराची अधिवेशन का प्रस्ताव एक ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना करता है जिस
का अर्थ केवल चुनाव करवाने की औपचारिकता पूरा करना ही नहीं, बल्कि एक यथार्थ व प्रमाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय समाज संरचना पर पुनः यथेष्ट कार्य करना भी है। कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की वह दृष्टि स्पष्ट प्रकट होती है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थी। यह प्रस्ताव उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अभिव्यक्त किए गए। आगे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल राजनीतिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि समानता का आशय केवल राजनीतिक अधिकारों से संबंधित नहीं है बल्कि इसका आशय समान परिस्थितियों और अवसरों से भी है। 3.3 परिशिष्ट 6 स्वराज में क्या क्या सम्मिलित होगा। कराची कांग्रेस संकल्पना 1931 कांग्रेस ने स्वराज की जैसे संकल्पना की थी जिसमें जनता की आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह घोषणा की कि कोई भी संविधान तभी स्वीकार्य होगा यदि वह स्वराज सरकार को निम्नलिखित आपूर्तियां करने में सक्षम बनता है। अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी संस्कृति और भाषाओं की सुरक्षा, कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर रोजगार, श्रम या व्यवसाय में भेदभाव न हो, सार्वजनिक कुओं, स्कूलों आदि पर सभी का समान अधिकार, उसके प्रति समान कर्तव्य, आत्मरक्षा के लिए नियमानुसार हथियार रखने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति संपत्ति व स्वतंत्रता से वंचित न हो, धर्म निरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, कोई उपाधि न दी जाए, मृत्युदंड का निषेध, प्रत्येक भारतीय नागरिक को आने जाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी बसने व संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून द्वारा समान सुरक्षा की सुनिश्चितता, कारखाना मजदूरों के लिए अच्छे जीवन स्तर की व्यवस्था, मालिकों व श्रमिकों के विवादों को हल करने के लिए उच्च प्रणाली तथा वृद्धावस्था व बीमारी आदि से रक्षा, सभी श्रमिकों की कृषि दासता की दशाओं से मुक्ति, महिला कर्मचारियों की विशेष सुरक्षा, बच्चे खानों और कारखानों में काम न करें, कृषकों व श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार, भू राजस्व अवधि व कर प्रणाली में सुधार, अनुपादित भूमि के राजस्व व कर से छूट तथा छोटे भू स्वामियों के लिए कर की में कमी, उत्तराधिकार कर का क्रमबद्ध पैमाने पर होना, सैन्य व्यय में न्यूनतम अधिक कटौती, राज्य कर्मचारी को 500 रुपए मासिक से अधिक वेतन न दिया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, विदेशी वस्त्रों के समक्ष स्वदेशी वस्त्रों को प्राथमिकता व सुरक्षा, नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, मुद्रा व विनिमय राष्ट्रीय हित में हो, मूल उद्योग सेवाओं, रेल आदि का राष्ट्रीयकरण, कृषि ऋण ग्रस्तता से राहत व सूखे सुदखोरी पर नियंत्रण, नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण, सदस्यता के आवेदन पत्र पर मुद्रित करने के लिए कराची प्रस्ताव को इस रूप में संक्षिप्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रस्तावना 3.4 हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन पर सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तम संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मपरित करते हैं। 3.3 से 3.4 के लिए अभ्यास, कराची संकल्प और संविधान की प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ें, इसमें निहित मूल विचारों को पहचाने। लोकतंत्र कई स्तरों पर कार्य करता है। इस अध्याय का प्रारंभ हम भारतीय संविधान के दृष्टि से करेंगे जो भारतीय लोकतंत्र का मूलाधार है। संविधान सभा के मुक्त विचार विमर्श और उसके मत से संविधान उत्पन्न हुआ, अतः इसका दृष्टिकोण और इसकी वैचारिक अंतर्वस्तु, इसके निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक है। इस अध्याय का अगला भाग संविधान सभा के वाद विवाद पर आधारित है।
संविधान सभा को संबोधित करते हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो निर्वाचन विधानसभा को संबोधित करते हुए दृश्य में दिखाए गए हैं। संविधान सभा का वाद विवाद एक इतिहास। 1939 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने एक लेख लिखा, द ओनली वे, जिसमें उन्होंने कहा, संविधान सभा अकेली ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। 1939 में एक संविधान सभा की मांग हुई, जिसे अनेक उतार चढ़ाव के बाद साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने 1945 में मान लिया। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतंत्र होगा जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। सामाजिक न्याय के प्रश्न पर एक जोरदार बहस चली कि जो सरकारी प्रकार्य निर्धारित होंगे उन्हें राज्य अनिवार्य रूप से लागू करेगा। संविधान सभा में रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भूमि सुधार व संपत्ति का अधिकार और पंचायतों के आयोजन पर बहस हुए। बहस के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। 3.5 बहस के कुछ अंश। के टी शाह ने कहा कि लाभदायक रोजगार को श्रेणीगत बाध्यता के द्वारा वास्तविक बनाया जाना चाहिए और राज्य की यह जिम्मेदारी हो कि वह सभी समर्थ व योग्य नागरिकों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराए। बी दास ने सरकार के कार्यों को अधिकार क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र से बाहर की श्रेणियों में वर्गीकृत करने का विरोध किया। मैं समझता हूं कि भूखमरी को समाप्त करना, सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। लाखों लोगों की सभा व मार्ग नहीं ढूंढ पाई कि संघ का संविधान उनकी भूख से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय, न्यूनतम मानक जीवन स्तर और न्यूनतम जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा। अंबेडकर का उत्तर इस प्रकार था, संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है वह देश के शासन के लिए केवल एक प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इसकी यह योजना बिल्कुल नहीं है कि कोई विशेष दल सत्ता में लाया जाए, जैसा कि कुछ देशों में हुआ। अगर व्यवस्था लोकतंत्र को संतुष्ट करने की परीक्षा में खरी उतरती है तो यह जनता द्वारा निश्चित किया जाएगा कि कौन सत्ता में होना चाहिए, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है वह मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे निर्देशक सिद्धांत कहे जाने वाले अनुदेशों का सम्मान करना पड़ेगा, जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सकता। हाँ, इनके उल्लंघन के लिए वह न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन चुनाव के समय निर्वाचकों के सामने उसे इस बात को उत्तर देना होगा। निर्देशक सिद्धांत जिन महान मूल्यों से संपन्न है उन्हें तभी अनुभव किया जा सकता है जब सत्ता पाने के लिए सही योजना का क्रियान्वयन किया जाए। भूमि सुधार के विषय में नेहरू ने कहा कि सामाजिक शक्ति इस तरह की है कि कानून इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता, जो इन दोनों की गतिशीलता के एक रोचक प्रतिबिंब। अगर कानून और संसद स्वयं को बदलते हैं, परिदृश्य के अनुकूल नहीं करते, तो ये स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। संविधान सभा की बहस के समय आदिवासी हितों की रक्षा के मामले में जयपाल सिंह जैसे नेता नेहरू के निम्नलिखित शब्दों द्वारा आश्वस्त किए गए, यथासंभव उनकी सहायता करना हमारी अभिलाषा है, निश्चित इच्छा और यथासंभव उन्हें कुशलतापूर्वक उनके लोभी पड़ोसियों से बचाया जाएगा और उन्हें उन्नत किया जाएगा। संविधान सभा ने ऐसे अधिकारों को जिन्हें न्यायालय लागू नहीं करवा सकता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शीर्षक के रूप में स्वीकार किया तथा इनमें स्वर्व स्वीकृति से कुछ अतिरिक्त सिद्धांत जोड़े गए। इनमें के संथानम का वह खंड भी सम्मिलित है जिसके अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करनी चाहिए तथा स्थानीय स्वशासन के लिए उन्हें अधिकार व शक्ति भी देनी चाहिए। टी ए रामलिंगम चेटियार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित खंड जोड़ा। अनुभवी व वरिष्ठ सांसद ठाकुर दास भार्गवा ने यह खंड जोड़ा कि राज्य को कृषि वह पशुपालक को आधुनिक प्रणाली से व्यवस्थित करना चाहिए। 3.5 के लिए अभ्यास। संविधान सभा की बहस के उपरयुक्त अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों पर बहस हुई, आज ये मुद्दे कितने प्रासंगिक हैं।
हित प्रतिस्पर्धा संविधान और सामाजिक परिवर्तन भारत में बहुत से स्तरों पर विद्यमान है। अलग अलग महत्वपूर्ण आदिवासी संस्कृति के साथ साथ अनेक धर्मों व संस्कृतियों से निर्मित यहाँ की जनसंख्या भारत की बहुलता का एक आयाम है। उत से विभाजन भारतीयों को वर्गीकृत करते हैं। सांस्कृतिक धर्म तथा जाति के विविधता प्रभाव ग्रामीण नगरीय धनी निर्धन और साक्षर निरक्षर विभाजन पर आधारित है। ग्रामीण निर्धनों के बीच कई ऐसे समूह व उपसमूह हैं जो बड़ी गहराई से जाति व निर्धनता के आधार पर स्वीकृति किए गए हैं। नगरों के कामगार वर्ग की कई विस्तृत श्रेणियां हैं। यही नहीं, सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वर्ग भी हैं। नगरीय व्यावसायिक वर्ग बहुत मुखर भी हैं। भारतीय सामाजिक परिदृश्य और असंतोष व कोलाहल की स्थिति में हितों की प्रतिस्पर्धा राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए है। संविधान में कुछ मूल उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं जो भारतीय राजनीति संसार में सामान्यतः न्यायोचित मानकर स्वीकृत कर लिए गए हैं। निर्धनों और हाशियों के लोगों को समक्ष बनाने में, निर्धनता उन्मूलन में, जातिवाद समाप्त करने तथा सभी समूहों के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिए ये कुछ सकारात्मक चरण है। हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग विभाजन को ही प्रतिबिंबित नहीं करती। किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण यह होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ लोगों के जीवन का प्रश्न है, जिनकी सुरक्षा संविधान भी सुनिश्चित करता है। अगले पृष्ठ पर यह प्रदर्शित किया गया है कि बहुत सी चीजों की समाप्ति के कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जीवन यापन का साधन भी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी सुरक्षा संविधान सुनिश्चित करता है। यह अत्यंत रोचक है कि संविधान निर्माण के समय हमारी संविधान सभा इस जटिलता और बाहुल्यता से परिचित थी, लेकिन सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता की उसने गारंटी दी। हाउ शरद गॉड ऑल लाइफ मध्य प्रदेश ट्राइबल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द विल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बैन अनएम्प्लॉइंग चिल्ड्रेन द मेरिट फैलिसी HDR टू डिसाइड द बिल एंड द कोटा इम्प्लीमेंटेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर ऑफ OBC इन द बिल बैन ऑन चिल्ड्रेन लेबर वेलकम बट दीज किड्स हैव अ क्वेश्चन सत्याग्रह इन सपोर्टेड ट्राइबल मध्य प्रदेश ट्राइबल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कनेक्टिंग इंटरेस्ट ग्रीन लाइट फॉर द मोर SEZ ग्रुप्स संविधान मानदंड संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या। यह जान लेना आवश्यक है कि कानून और न्याय में अंतर है। कानून का सार इसकी शक्ति है। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन की संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के स्वस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नीत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए वह लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के स्वस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है। उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण रूपों में मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है। नीचे दी गई बाक्स इनमें से कुछ उदाहरणों को दर्शाता है। बाक्स 3.6 मौलिक अधिकार वह सब अंतर्भूत करता है जो इसके आकस्मिक अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है और जीवन के लिए अनिवार्य गुणवत्ता जीवन यापन के साधन स्वास्थ्य आवास शिक्षा और गरिमा की व्याख्या करता है। विभिन्न उद्घोषणाओं में जीवन की विशेषताओं की ओर संकेत
किया गया है और इसे एक पशु मात्र के अस्तित्व से बेहतर व महत्वपूर्ण रूप में व्याख्यित किया गया है। ये व्याख्याएं उन कैदियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें प्रताड़ित करने और वंचित रखने का दंड मिलता है। यह उन्हें मुक्त करने, बंधुआ मजदूरों को पुनर्निवासित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य व शिक्षा उपलब्ध कराने की व्याख्या करता है। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उसका अनुसांगिक अंग है जो अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत वर्णित है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रस्तुति। उच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन निर्देश तत्वों को अनुच्छेद 14 के समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना तथा बहुत से बगान एवं कृषक श्रमिक तथा अन्य को राहत पहुंचाई। संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रचारित प्रसारित करने की संभावना भी निहित है। सामाजिक न्याय की समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलनों ने भी न्यायालय और प्राधिकरणों की सहायता की है। कानून और न्यायालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्रति स्पर्धा दृष्टिकोण पर बहस होती है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हितों की ओर प्रभावित करता है और उसे सुसंगत बनाता है। आप देखेंगे कि संविधान में लोगों की सहायता करने की क्षमता निहित है क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों से संबंधित निर्देशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में के संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। 40 वर्ष के बाद 1992 के 73वें संशोधन में यह एक संवैधानिक विधेयक बन गया। अगले भाग में आप इसके विषय में पढ़ेंगे। पंचायती राज्य और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। पंचायती राज्य के आदर्श से पंचायती राज्य का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गाँव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयाती नहीं है, लेकिन ऐसा समाज जहां असमानता अत्यंत तीव्र हो, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है, जैसा कि आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट में आगे देखेंगे कि ऐसे गांव में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं, लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का ही प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इनका दृष्टिकोण प्राय रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जातियां जनसंख्या इस भाग को चुप करा देगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे जो स्वयं अपने को निर्देशित कर ग्राम स्वराज को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गाँव में यही शासन चलता रहे। पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक और प्रारंभिक स्तर पर लोकल और विकेंद्रित शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम के 5वीं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता है। 3.7 पंचायती राज संस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था। इसकी संरचना एक पिरामिड की भांति है।
संरचना के आधार पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होता है। इसमें पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह आम सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व उसे सौंपती है। ग्राम सभा परिचर्चा और ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बल की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संविधान के 73वें संशोधन ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की। यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। इसने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई। इसने पूरे जिले के विकास को प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला योजना समिति गठित की। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के अस्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। इनमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह संशोधन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया, जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पद पर महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 80,000 महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने 8 लाख महिलाएं हैं। मताधिकार देने वाले एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 में लागू हुआ। 3.7% पड़े पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रतिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों का निम्नलिखित शक्तियाँ व उत्तरदायित्व प्राप्त है: आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना, शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगान व एकत्र करना, सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारों तक पहुंचाना, पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है कि श्मशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्य का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतों कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करता है और छोटी सिंचाई कार्यों की भी देखभाल करती है। बहुत सी सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती हैं। संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत हैं। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के अनुसंधानों में वृद्धि करते हैं। पंचायत के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यकाल के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय ये दृश्य दिखाई गई हैं महिला को दिखाते हुए। न्यू डील फॉर द पंचायत वर्कर्स के लिए स्टॉप कॉरेस्पॉन्डिंग, भोपाल का यह पंचायती राज है जो कि इसमें पूरे अलाइनमेंट्स में दिए गए हैं। पंचायती राज मिनिस्ट्री प्रिपेयर सॉफ्टवेयर टू एड ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए ये पूरी स्टेटमेंट दे रखी है। सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हैं। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हों। लोगों के पास पैसों के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वे यह भी पूछ सकते हैं कि गांव के कल्याण और विकास के हेतु किए गए निर्णयों के कारण क्या है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई
है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पंचों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज्य बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं इतनी सुविकसित थीं कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। उदाहरणतः खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार पुर कहा जाता था और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ा खंड संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान से बाहर है। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। 62.8% दलित जाति की कलावती चुनाव लड़ने से संबंध में चिंतित थी। आज वह एक सरपंच पंचायत सदस्य हैं और यह अनुभव कर रही हैं कि जब से वह पंचायत सदस्य बनी है तब से उसका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसका अपना एक नाम है। पंचायत की सदस्य बनने से पहले वह रामू की माँ या हीरालाल की पत्नी के नाम से जानी जाती थी। यदि वह ग्राम प्रधान पद पर चुनाव हार गई तो उसे अनुभव होगा कि उसकी सखियों की नाक कट गई। स्रोत यह आलेख महिला समाख्य नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दर्ज किया गया है जो कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। वन पंचायत 62.9% उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाएं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लड़कियों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता है और इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायत की स्थापना की। वन पंचायत की औरतों पौधाशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं जिन्हें पहाड़ी ढालों पर रोपा जा सके। इसकी सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती हैं। चिपको आंदोलन जिसमें कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए औरतों उनसे चिपक जाती थी इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया था। 62.10% निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण। यह पंचायती राज्य राज्य प्रणाली की शक्तियों के प्रचार प्रसार का एक नवाचारी उपाय है। खीपुर और दुखीपुर नामक दो गांवों की कहानी कपड़े की फंड कहानी कहने का एक परंपरागत लोक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई। दुखीपुर गांव में एक भ्रष्ट प्रधान थी बिमला। उसने गांव में स्कूल बनवाने के लिए पंचायत से धन लिया था लेकिन उसका उपयोग उसने अपने परिवार का घर बनवाने के लिए किया। गांव का बाकी हिस्सा दुखी और गरीब था। दूसरी तरफ सुखीपुर गांव में एक साधारण वर्ग की औरत नाजमा प्रधान थी। उसने ग्रामीण विकास के पैसे को गांव के भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए खर्चा किया। इस गांव में प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें व पक्के मकान थे। बस यहां आराम से पहुंच सकती थी। लोक संगीत और चित्रमय फंड देने का एक साथ समर्थन सरकार और उसमें भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी हथियार थे। कहानी कहने का ये नया तरीका निरक्षर महिलाओं में जागरूकता फैलाने में बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रचार ने यह संदेश दिया कि केवल मतदान कराना, चुनाव में खड़े होना या जितना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किस व्यक्ति को क्यों मत दिया जाए, उसमें किस ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए और वह आगे क्या करना चाहता चाहती है। गीत फंड के माध्यम से कही गई कहानी सत्यनिष्ठा का पक्ष भी प्रबलित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला समाख्य
आख्या नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा समायोजित किया गया था जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। चित्र में महिलाओं और पुरुषों दोनों के दृश्य दिखाई गई है। जैसा कि समाजशास्त्री टिपलुट नोगबरी ने कहा कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हो यह आवश्यक नहीं है। भूरिया समिति की रिपोर्ट जिसने इस मुद्दे का अध्ययन किया है, इस टिप्पणी करते हुए नोगबरी ने कहा कि हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति का चिंता प्रशासनिक है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में असमर्थ रही। आदिवासी समाज में प्रबल समतावादी लोक आचार्य पाया जाता है, इसके बावजूद उनमें स्त्रीकरण के तत्व कहीं न कहीं उपस्थित हैं। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था में विकृतियां भी उत्पन्न कर दी है, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक। नोंगबरी 2003-220 यह आपको परंपरा की परिवर्तनशील प्रकृति को याद दिलाता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय एक और दो में कर चुके हैं, लोकतंत्रीकरण और असमानता। अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस देश में जाति समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतंत्रीकरण आसान नहीं है। पिछली पुस्तक में आप विभिन्न प्रकार की असमानताओं से परिचित हो चुके हैं। अध्याय चार में ग्रामीण भारतीय संरचना की ओर अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी असमानता व अलोकतांत्रिक सामाजिक संरचना को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बहुत से मामलों में गांव के कुछ विशेष समूह समुदाय जाति से संबंधित लोग न तो गांव की समितियों में शामिल किए जाते हैं और न ही उन्हें ऐसी क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्रायः एक ऐसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित व संचारित किए जाते हैं जो अमीर किसानों या उच्च जाति के जमींदार के होते हैं। बहुसंख्यक लोग देखते भर रह जाते हैं और ये लोग बहुत ही अनदेखा करके विकासात्मक कार्यों का और सहायता राशि बांटने का फैसला कर लेते हैं। नीचे के बॉक्स में दी गई रिपोर्ट जमीनी और तृणमूल स्तर के विभिन्न अनुभवों को दिखाती है। एक रिपोर्ट दर्शाती है कि पारंपरिक पंचायतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक और रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ मामलों में पंचायती राज संस्थाएं कैसे अमूल परिवर्तन लाती हैं, जबकि एक और रिपोर्ट यह है बाक्स 3.11 सम्मान का प्रश्न, जाति पंचायती स्वयं को ग्रामीण नैतिक का अभिभावक सिद्ध कर रही हैं। अक्टूबर 2004 का एक पहला मामला जो सुर्खियों में रहा, जब इज्जर जिले के असांदा गांव की पंचायत राठी खाप ने सोनिया के सामने यह शर्त रखी कि अगर उसे गांव में रहना है तो अपना गर्भपात कराना होगा और अपनी शादी तोड़कर पति रामपाल को अपना भाई बनाना पड़ेगा। उसकी शादी एक साल पहले हुई थी। उस दंपति का अपराध यह था कि उन्होंने एक ही गोत्र में विवाह किया था। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम भी इसे मान्यता देता है, सोनिया और रामपाल केवल हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही साथ रह सके। इस तरह मुजफ्फरनगर की अंसारी जाति की पंचायत ने पिछले साल यह निर्णय दिया कि अपने ससुर द्वारा बलात्कार होने के बाद इमराना अपने पति की मां बन चुकी हैं। मेरठ की एक पंचायत ने फैसला दिया कि अपने दूसरे पति द्वारा गर्भवती होने के बावजूद भी गुड़िया को पहले पति के पास लौटा जाना चाहिए, जो कि 5 वर्ष बाद वापस आया था। स्रोत संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2006। क्रियाकलाप 3.12 धन और विशेषाधिकार की भूमिका, ग्रामीणों की भूमिका। सुंपा सरपंच सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे में रखी गई, फिर भी पंचायत के निवासियों ने इसे प्रतिभागियों के पतियों के बीच की प्रतिस्पर्धा माना। एक तरफ सरपंच पद का उम्मीदवार था राम राय मेवाड़ा, जो केकड़ी में एक शराब की दुकान का मालिक था, और दूसरी तरफ उसी गाँव का जमींदार चंद सिंह ठाकुर था। गाँव वालों ने मेवाड़ की असलियत खोल दी कि 2003 से 2002
के सुखाराहत कार्य में उसने नकली नामावली बनाई थी। हालांकि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार गांव वाले उसे पंचायत से बाहर देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ठाकुर को कड़े संघर्ष के लिए उसके सामने रखा। सुपा के निवासियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मेवाड़ के विरुद्ध कड़े मुकाबला के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ठाकुर ही है। बाक्स 3.13 अधिकाधिक भागीदारी और सूचना के लिए सामाजिक आंदोलन और संगठनों की भूमिका। 24 जनवरी को धोरेला गांव कुसुलपुरा पंचायत में एक सभा हुई। घोषणाएं करके बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें नारे सिखाए गए और दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को बताया गया। एक स्थानीय एनजीओ के अच्छी छवि वाले एक कार्यकर्ता ने चौपाल में सभा के लिए आने को लोगों से निवेदन किया है। तारा स्थानीय एनजीओ द्वारा समर्थित प्रत्याशी की घोषणा पत्र बढ़ा गया है और उसने एक छोटा सा भाषण भी दिया है। उसका घोषणा पत्र उसमें कहा गया था कि वे एक सरपंच के रूप में घूस नहीं लेगी, प्रचार में 2,000 रुपए से अधिक खर्च नहीं करेंगी आदि। लोगों के मत खरीदने के लिए और प्रचार कार्य के खर्च में सहयोग के लिए शराब और गुड़ बांटा जाता है और जीपों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। एकत्रित गांव वालों ने के सामने भ्रष्टाचार की पूरी श्रृंखला स्पष्ट की गई। कम खर्च के चुनाव गरीबों की सहभागिता को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि वे भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत की संभावना भी प्रबल करते हैं। बाक्स 3.11, 12 और 13 के लिए अभ्यास। उपयुक्त बाक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विषय निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करें। धन की भूमिका, जनता की भूमिका, महिलाओं की भूमिका दर्शाती है कि कैसे लोकतांत्रिक पैमाने काम नहीं कर पाते, क्योंकि हिंदू समूह परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनके लिए केवल पैसा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। आप स्मरण करेंगे कि यह अध्याय केवल लोकतांत्रिक की परिभाषा के उदाहरण के साथ प्रारंभ हुआ था। लोकतंत्र एक शासन के रूप में जो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। जैसे जैसे यह अध्याय आगे बढ़ेगा, आप पाएंगे कि यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा, उसके मूल अर्थ का को तो पकड़ती है, लेकिन लोगों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच के बहुत से विभाजनों को स्पष्ट नहीं करती। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार हितों और चिंता अलग अलग हैं। भारतीय संविधान विषयक अनुभाग 2 में हमने देखा कि कैसे विभिन्न समूहों ने संविधान सभा में अपने अपने हितों और सरोकारों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय लोकतंत्र की कहानी में हमने विभिन्न समूहों के हितों को भी देखा। हर सुबह के अखबार पर एक दृष्टिपात से ही अनेक ऐसे उदाहरण दिखेंगे कि विभिन्न समूहों कैसे अपनी आवाज सुनना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सभी हित समूह तुलनीय हैं क्या? एक अशिक्षित किसान या एक शिक्षित कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने उतनी ही साफ तौर पर और विश्वसनीय ढंग से रख सकता है जैसे कि एक उद्योगपति ने? न तो उद्योगपति और न ही किसान या कर्मचारी अपनी बात को केवल व्यक्तिगत रूप से रखते हैं। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड चैम्बर्स, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस या द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। किसान किसी संगठन बनाते हैं जैसे कि शेतकारी संगठन। कृषि मजदूरों का अपना अलग संघ होता है। अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलनों जैसे आदिवासी एवं पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूपों में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचित प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। राजनीतिक दल समाज की कुछ विशेष समझ और यह कैसे होना चाहिए पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं जो उनके मुद्दे को उठाते हैं। विभिन्न
हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हितों की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग दल बना लेता है या फिर ये दबाव समूह बना लेते हैं जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्य का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं लेकिन वे इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ऐसे संगठन तब तक आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं मिली। क्रियाकलाप 3.1 एक सप्ताह के समाचार पत्र पत्रिकाओं को देखें, उनमें ऐसे उदाहरणों को लिखें जहां हितों का संघर्ष हो, विवादास्पद मुद्दों का पता लगाएं, उन तरीकों का पता लगाएं जिनसे संबंधित समूह अपने हितों का फायदा उठाते हैं। क्या यह किसी राजनीतिक दल का औपचारिक प्रतिनिधि मंडल है जो प्रधानमंत्री या किसी अन्य अधिकारियों से मिलाना चाहता है? क्या यह विरोध सड़कों पर किया जा रहा है? क्या यह विरोध निम्नलिखित रूप से अथवा समाचार पत्रों में सूचना के द्वारा किया जा रहा है? क्या यह सार्वजनिक बैठकों के द्वारा किया जा रहा है? ऐसे उदाहरणों का पता लगाइए, यह पता लगाइए कि किसी राजनीतिक दल, व्यवसायिक संघ और गैर सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य निकाय ने इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय लोकतंत्र की कहानी के विभिन्न पात्रों के बारे में चर्चा करें। बाक्स 3.14 हर साल फरवरी के अंत में भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट पेश करते हैं। इसके पहले हर रोज अखबार में यह खबर छपती है कि भारतीय उद्यमी के संगठन, श्रमिकों संघ, किसानों और महिलाओं के संगठनों के वित्तीय मंत्रालय के साथ बैठक की। बाक्स 3.14 के लिए अभ्यास किया, ये सभी दबाव समूह समझे जा सकते हैं। पहले व दूसरे दोनों ही क्रियाकलापों में बताया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी समूहों में समान क्षमता नहीं है। अतः कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूहों जैसे वर्ग अथवा जाति अथवा लैंगिक समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करती है और यह अनुभव करते हैं कि यह कहना अधिक सही होगा कि प्रबल वर्ग ही राज्य को नियंत्रित करते हैं। यह इस बात का यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। 8वें अध्याय में यही दर्शाता है। क्रियाकलाप 3.15 दल के संबंध में मैक्स वेबर, वर्गों की वास्तविक स्थिति अर्थ प्रणाली के क्रम में है जबकि स्थिति समूहों का अर्थ सामाजिक क्रम ऑर्डर में है, लेकिन दल शक्ति संरचना के अंतर्गत होते हैं। दलों की क्रिया हमेशा एक ऐसी उद्देश्य के लिए होती है जिनकी प्राप्ति अनेक नियोजित दृष्टि के लिए की जाती है। उद्देश्य एक कारण यह हो सकता है, दल का उद्देश्य किसी आदर्श या भौतिक आवश्यकता के लिए कार्यक्रम की वास्तविकता को जानना भी हो सकता है या उद्देश्य निजी भी हो सकता है। आराम शक्ति और इनके माध्यम से नेता और दल के अनुयायियों का सम्मान, वेबर 1948-194। बाक्स 3.16 के लिए अभ्यास, अगले पृष्ठ पर दिए गए बाक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अन्य कस्बों और शहरों से आप ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हैं। निर्धनों, सेवकों वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्गों के हितों की पहचान करें। विभिन्न समूहों द्वारा सड़कों के प्रयोग को किस प्रकार देखा जाता है चर्चा करें कि सरकार की भूमिका के विषय में आप क्या सोचते हैं। परामर्शदाताओं, प्रतिष्ठानों जैसे मैकांजी की क्या भूमिका है कि इनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है कि निर्धन लोग परामर्शदाता प्रतिष्ठानों की अपेक्षा राजनीतिक दलों की को अधिक प्रभावित कर सकते हैं? क्या ऐसा इसलिए है कि राजनीतिक दल जनता के प्रति उत्तरदायी हैं? क्या ये उन्हें नकार सकते हैं? मुंबई महानगर में विकास कार्यों के ठोस उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे कि ये प्रतिस्पर्धा हित कैसे कार्य करते हैं। बाक्स 3.16
हाल के वर्षों में देखने को मिला कि भारतीय नगरों को भूमंडलीय नगर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगरीय योजना बनाने वालों और परिकल्पना करने वालों की दृष्टि से मुंबई को तत्काल उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से जोड़ने वाली आवश्यकता है और इसी ओर उनका तर्क यह था कि मुंबई को एक वृत्त में घेरने के लिए एक एक्सप्रेस रिंग वे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि वह मुक्त मार्ग शहर के भीतर के कुछ बिंदु से 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। शीघ्र प्रवेश एवं निकास तथा दक्ष यातायात विसर्जन एफिशिएंट ट्रैफिक डिस्पर्सल शहर की प्रवाहमय क्रियाशीलता के लिए अति आवश्यक है। कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए सड़क की भूमिका कुछ अलग भी है। वे संपर्क के मुक्त मार्ग से भी अधिक बहुत कुछ है, चाहे इसे अच्छा माने या बुरा। सड़क प्रायः बाजार बन जाती है, मेले, तीर्थयात्री, मनोरंजन, परिवहन और आर्थिक विनिमय जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए साधन बन जाते हैं। सड़क पर रहते हुए लोगों को सार्वजनिक और निजी स्थानों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वे वहीं पर खरीदना, बेचना, खाना पीना, क्रिकेट खेलना, यहाँ तक कि खड़े रहना और घूमना फिरना भी चलता रहता है। नगर की योजना बनाने वालों ने संकेत किया है कि कैसे ये क्रियाकलाप यातायात को रोकते हैं और उनके सामने अवरोध पैदा करते हैं। इन अवरोधों को कम करने के लिए गरीब लोगों को शहर से बाहरी भागों में बसा दिया गया है। मैकेंजी के एक निजी परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज मुंबई विजन में गरीबों का घर बनाने की योजना शहर के बाहर नमक की परत पर वाली जमीन पर है। उनके जीवन यापन के साधनों का क्या होगा? निम्नलिखित उदाहरण गरीबों की आवाज को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है। हम वास्तव में मानव बुलडोजर और मानव ट्रैक्टर हैं। जमीन को सबसे पहले हमने समतल किया, हमने शहर को योगदान दिया। हम तुम्हारी गंदगी शहर से बाहर लाते हैं और मैं भीख नहीं मांगता, मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूँ। औरतें काम पर जा सकती हैं क्योंकि उनके बच्चे की देखभाल के लिए हम रहते हैं। मंत्रालय, कलेक्टर, बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस के लोग भी मलिन बस्तियों में रहते हैं क्योंकि हम होते हैं तो औरतें रात में सुरक्षित घूम सकती हैं। बॉम्बे फर्स्ट जैसे समूह सबसे पहले मुंबई के वर्ल्ड क्लास सिटी होने की बात करते हैं। यह कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है जबकि इस शहर के गरीबों को रहने की जगह नहीं? आनंद 2006-34-32 ये सड़क का प्रयोग दृश्य में दिखाई गई है।